नमस्कार, आपका मेरे चैनल स्वाद की टोकरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पोहे से बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी नाश्ता बनाना बताऊंगी। इसे आप पहले से तैयार कर रख लें और जब चाहें तब इंजॉय करें। ये बहुत ही कम तेल में बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। देखिए ये कितना क्रिस्पी है। तो चलिए रेसिपी शुरू करने से पहले, आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये मैंने लिया है यहाँ एक कप पोहा। ये नॉर्मल पोहा है जिसे हम चूड़ा भी कहते हैं। अब इसे मैं दो तीन पानी से वॉश कर लूँगी, धो लूँगी और फिर इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख दूँगी, जिससे कि ये फूल कर तैयार हो जाएगा हमारा। अगर आपका पोहा फूल अच्छी तरीके से नहीं फूला है तो आप इसमें 2-3 चम्मच पानी भी डाल दें। ये देखिए ये हाथों से बहुत ही आसानी से मैश हो जा रहा है। अब मैं इसे एक बर्तन में ट्रांसफर कर दूंगी और इसे मैं हाथों से मसल कर तैयार करूंगी। आप चाहें तो इसे मिक्सर में इसे एक बार ग्राइंड कर लें तो ये बहुत जल्दी और तैयार हो जाएगा। मैं फिलहाल हाथों से ही मसल कर तैयार कर रही हूँ इसको। इसे मुझे डो फॉर्म में तैयार करना है और ये बहुत ही आसानी से मैश हो जा रहा है। ये देखिए हमारा कितनी अच्छी तरीके से मैश हो गया है, आप देख पा रहे होंगे मैश हो गया है। अब मैं इसमें 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू को हाथों से ही मैश करके मैं डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें कद्दूकस करके भी इसे डाल सकते हैं। मुझे इसे मैश करके तैयार करना है इसलिए मैंने इसे ही डाल दिया है। अब मैंने लिया है यहाँ एक छोटा बारीक कटा हुआ प्याज, हरा धनिया, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, हरी मिर्च। आप यहाँ पे अपने पसंद के हिसाब से कोई भी सब्जी ले सकते हैं, लेकिन आप इसे ध्यान रखें बहुत ही बारीक या कद्दूकस करके लें, नहीं तो इस डो में ये बाइंड अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा और हमारे सारे नाश्ते बेकार हो जाएंगे। ये मैंने लिया है एक आधा छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट। ये मैंने लिया है आधा छोटा चम्मच अदरक का पेस्ट। आप चाहे तो इसे कद्दूकस करके भी ले सकते हैं। ये मैंने लिया है यहाँ पे 1 छोटा चम्मच जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर और 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। अब सारे मसालों को मैं इसमें डाल दूंगी। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे आरारोट, 2 चम्मच मैंने आरारोट लिया है। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाता है, आप इसके जगह कॉर्नफ्लावर ले सकते हैं, चावल का आटा ले सकते हैं। चावल का आटा भी घर में हमेशा रहता है और नहीं है तो आप मिक्सर में उसे पीस कर तैयार कर लें, या फिर आप इसकी जगह बेसन भी ले सकते हैं। बेसन थोड़ा कढ़ाई में डालकर रोस्ट कर लें और फिर इसमें मिला दें। ये हमारा डो बन गया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल डालूंगी कि तो इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाए। ये बहुत अच्छे तरीके से अभी बाइंड नहीं हो रहा है। अब इसे मैं गूंद लूंगी अच्छी तरह से। अब तेल डालने से ये बहुत ही और सॉफ्ट हो गया है। ये हमारा डो के फॉर्म में आ गया है। अब मैं इसकी छोटी छोटी लोइयां बनाकर इस तरह से मैं लंबे लंबे कटलेट के शेप में इसे तैयार करूंगी। आप कोई भी शेप दे सकते हैं, अपने मनचाहे शेप में गोल दे दें, चपटा कर लें, किसी जो भी शेप आपको पसंद हो। ये मैंने सारे बॉल्स को मैंने तैयार कर लिया है। अब मैं इसे फ्रिज में 15 मिनट के लिए रख दूंगी सेट होने के लिए। ये देखिए बहुत मोटा भी नहीं है, बहुत पतला भी नहीं है। अब 15 मिनट के लिए आप रख दें, अगर फ्रीजर में रख रहे हो तो 10 मिनट के लिए रखें। ये मैंने फ्रिज में रखा था और मैं इस वीडियो को शूट नहीं कर पाई थी तो मैं इसे कल रखी थी और नेक्स्ट डे आज मैं बना रही हूँ इसे। अब मैंने लिया है यहाँ पे एक पैन में 4-5 चम्मच तेल को गर्म करके लिया है और इसमें बारी बारी से सारे पीसेस को मैं डाल दूंगी और गैस को मीडियम और लो के बीच में आप रखें, हाई पे बिल्कुल ना रखें, नहीं तो ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा। हमें इसे गोल्डन ब्राउन होने तक रोस्ट करना है, इसे हमें सैलो फ्राई करना है। आप चाहे तो इसे और भी कम तेल में कर सकते हैं और या फिर आप इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं। डीप फ्राई भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है,
इसमें तेल बहुत ही कम लगता है। मैं आगे वीडियो में इसे दिखाऊंगी कि बहुत कम तेल में ये तैयार हो गया है। और आप इसे बना कर रख लें फ्रिज में, 2 से 3 दिन तक आप रख कर इसे रख लें, और जब सर्व करना हो सेलो फ्राई करें और सर्व करें। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा ये तैयार हुआ है, अच्छा गोल्डन बनकर तैयार हो गया है। इसे आप कच्चा ना निकालें, नहीं तो ये खाने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। वाह, अब इसी तरह से बाकी बचे हुए पीसेस को भी हम तैयार कर लेंगे। आप इसे शाम के नाश्ते में चाय के साथ, चटनी के साथ, चाहे जब खाएं बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर मेहमान आने वाले हों तो आप बनाकर इसे फ्रिज में रख दें। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ यहाँ पे तेल कितना कम लगा है। ये मेरी दूसरी बाड़ी में मैंने रोस्ट किया है, ये देखिए बहुत तैयार हो गया, तेल बहुत कम लगा है हमारा। ये देखिए हमारे सारे तैयार हो गए हैं। तो बताइए मेरे नाश्ते की रेसिपी कैसी लगी आपको। अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली और फ्रेंड के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।